हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज मैं आपको बनाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 9.1। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, ये जो रैशनल नंबर दिए हैं परिमेय संख्या दी है, इसे बिटा एसेंडिंग ऑर्डर में बदल दो। आपको बिटा इसे आरोही क्रम में बदलना है। तो बेटा आप ध्यान दो, ये सभी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर सेम है। ये सेम सभी में क्या है बेटा? 5। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है बेटा छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर बढ़ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ना। ठीक है, अब सबके अकाउंट में 5 है तो बेटा क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटा आधी प्रॉब्लम तो क्वेश्चन ने ही सॉल्व करनी है, हमें नीचे ध्यान ही नहीं देना है। फिर किधर ध्यान देना है? सिर्फ ऊपर के नंबर पे ध्यान देना है। अब आप बताइए, -1, -2, -3, उनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो बेटा नेगेटिव नंबर में जो सबसे बड़ा दिखता है वो सबसे छोटा होता है। तो बेटा सबसे बड़ा तो मुझे 3 दिख रहा है, रियल में वह छोटा है। क्यों? क्योंकि माइनस साइन है। तो बेटा -3 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 2, तो -2 हो गया है ना। फिर उससे बड़ा 2, तो बेटा -1। ठीक है, और सबके अकाउंट में 5 है, 5। ये बेटा असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की ओर। आप बेटा इसे इस तरह से भी बता सकते हो, कैसे? -3/5 छोटा है लेस है किससे? -2/5 से। -2/5 छोटा है लेस है किससे बेटा? -1/5 से। इस तरह से बेटा हमने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में बदल लिया, आरोही क्रम में बदला। अब बच्चों हमें इन रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में बदलना है। सबसे पहले ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? बेटा पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम था, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया। यहाँ बेटा डिनोमिनेटर अलग है, यहाँ 9 है तो यहाँ बेटा 3 है। सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को सेम बनाना। ये 1/3, ये -2/9 और ये -4/3। ठीक है, हमें बेटा डिनोमिनेटर सेम चाहिए, सब में बच्चों 9 बनाना है। क्या करें? ऊपर नीचे बेटा इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये क्या हो गया, 3/9, ये बेटा -2/9 और ये -12/9। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, पिछले क्वेश्चन जैसे करेंगे। अब बेटा देखिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े नंबर की ओर चलना है, छोटे से बड़े नंबर की ओर चलना है। तो बेटा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? ये वाला। नेगेटिव में जो जितना बड़ा दिखता है वो रियल में छोटा होता है। तो बेटा सबसे छोटा नंबर ये हो गया, उसके बाद बेटा ये नंबर और सबसे बड़ा नंबर ये पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो बेटा हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, -12/9 छोटा है किससे बेटा? -2/9 से। -2/9 छोटा है किससे बेटा? 3/9 से। अब बेटा इसे आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए, इसे बेटा आप लिख सकते हो -4/3। ठीक है, फिर ये साइन बना दो, ये -2/9, फिर ये साइन बना दो 3/9 को बेटा आप क्या लिख सकते हो? 1/3। इस तरह से बच्चों इन्हें हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब बच्चों इन रैशनल नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले ध्यान दो, डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब क्या करें,
बेटा यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो बच्चों इन नंबर का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। लिख लेते हैं 7, 2, 4। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, ये 7, ये 1, ये 2। फिर 2 से डिवाइड करो, ये 7, ये 1, ये 1। फिर 7 से डिवाइड करो, 1, 1, 1। एलसीएम आया बेटा 2 × 2 × 7 कितना होगा 28। ठीक है, अब क्या करना है? अब बेटा सबसे पहला नंबर देखो -3/7, ये -3, ये बेटा 7। ध्यान देना बेटा, हम क्या चाह रहे हैं, ये सारे डिनोमिनेटर एक जैसे बन जाए। ठीक है, तो बेटा यहाँ 7 है, इस 7 को बच्चों छोड़ दो, क्या बचा बेटा 4 बचा 4, 2 × 2 = 4। ये जो बचा नंबर बेटा इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया -12/28। ठीक है, अब इसकी बारी क्या है, -3/2 लिख दो, -3/2। इसके डिनोमिनेटर में 2 है, अब ध्यान देना बच्चों, इस 2 को आप छोड़ो, क्या बचा बेटा 2 × 7 बचा, मतलब 14 बचा। इस 14 का बेटा ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -14 × 3 = 42 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 28। ठीक है, अब इसकी बारी, -3/4, ये -3/4। ठीक है, अब ध्यान देना, इसके नीचे बेटा डिनोमिनेटर क्या लिखा है 4, तो बच्चों इन दोनों को छोड़ दो, ये 4 है ना, इसे छोड़ दो, तो क्या बचा बेटा 7 बचा। इस नंबर का बेटा ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, ये माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 21/28। ठीक है, अब बेटा ध्यान देना, हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में बदलना है। तो बेटा सभी नंबर क्या है, नेगेटिव है, सभी नंबर नेगेटिव, तो बेटा नेगेटिव में जो नंबर बड़ा दिखता है वो रियल में क्या होता है, छोटा होता है। हमें बेटा असेंडिंग ऑर्डर में बदलना है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़े नंबर की तरफ चलना होता है। ठीक है, तो बेटा हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में बदलना है, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा देखो, ये बेटा सबसे छोटा होगा, क्यों, क्योंकि बेटा जो नंबर बड़ा दिखता है नेगेटिव होने के कारण वो छोटा हो जाता है। तो -42/28 सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, फिर बेटा -21/28 उससे बड़ा नंबर। ठीक है, उसके बाद -12/28 सबसे बड़ा नंबर है। आप चाहो तो बेटा यहाँ पे ये साइन लगा सकते हो, ये साइन क्या बताता है, ये जो रैशनल नंबर है इससे क्या है, छोटा है, और ये वाला रैशनल नंबर इससे छोटा है। ठीक है, अब बेटा ये कहाँ से आया था, ये देखिए, ये आया था -3/2 से, है ना, और ये कहाँ से आया था, ये आया था -3/4 से, और ये कहाँ से आया, ये आया बेटा -3/7 से। इस तरह से बेटा हमने रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, आरोही क्रम में बेटा हमने इन्हें बदल दिया।